हेलो दोस्तों, मैं किसान कन्हैया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण शहर तथा उनके संस्थापक। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से पूरी बात करेंगे। और इससे पहले हमारे चैनल पर बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पड़े हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और प्रमुख युद्धों की सीरीज है, वहाँ पर बहुत सारे युद्धों को कवर किया गया है, वहाँ से भी उसे जाकर भी देख सकते हैं। और उसके अलावा ट्रिकी वीडियो और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला शहर है आगरा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी कौन था? यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, लोदी वंश, उसी का शासक था। ठीक है, लोदी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और लोदी वंश का आखिरी आखिरी राजा कौन था? ठीक है, आखिरी सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। वह पानीपत के प्रथम, पानीपत नहीं, ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हारा था और वहीं से इस लोदी वंश का अंत हो गया था। ठीक है, तो इसी लोदी वंश का यह शासक था सिकंदर लोदी और आगरा शहर की स्थापना किया था। और नेक्स्ट है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह कौन से नगर की स्थापना किया था? तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह ने किया था। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और अगला है हैदराबाद। हैदराबाद शहर की स्थापना निजामुल मुल्क नाम के एक व्यक्ति ने किया था। और नेक्स्ट है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कोलकाता में पड़ता है और इसका स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब मुर्शिद कुली खां कौन था? यह बंगाल का स्वतंत्र शासक बना था। किसके समय? औरंगजेब के समय यह बंगाल का स्वतंत्र शासक बना और मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की। और अगला है फरुखाबाद। फरुखाबाद की स्थापना मोहम्मद खां बंगस ने किया था। ठीक है, और अगला है गोविंदपुर। गोविंदपुर शहर की स्थापना सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को अकबर के द्वारा जागीर दी गई थी। गुरु अर्जुन देव को नहीं, ठीक है, गुरु अमरदास को अकबर के द्वारा जागीर दी गई थी और अमरदास जी अमृत शहर की स्थापना किए थे, जबकि गुरु अर्जुन देव गोविंदपुर शहर की स्थापना किए थे। और गुरु रामदास इसके अलावा कीर्तिपुर शहर की भी स्थापना किए। ठीक है, अमृतसर और कीर्तिपुर शहर दोनों की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है, फिरोज तुगलक, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसी ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। और अगला है फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने ही की थी। और नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था और किसकी याद में? अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज तुगलक की याद में इसे किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का और क्या नाम था? जौना खां, तो उसी के याद में इस शहर का स्थापना हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और नेक्स्ट है हिसार। हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, तो देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगर की स्थापना की है? हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, इन सब शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और अगला है अजमेर। अजमेर राजस्थान में पड़ता है और इसका स्थापना श्री अजय पाल के द्वारा किया गया था। इसका क्या नाम था? श्री अजय पाल। और देवगिरी शहर की स्थापना मिल्लम चतुर्थ यानी मिल्लम फोर्थ के द्वारा किया गया था। और अगला है 15 नंबर का रामेश्वरम। रामेश्वरम शहर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था और शंकराचार्य ने 4 मठों की भी स्थापना की थी। ठीक है, अलग अलग जगह पे, और उड़ीसा में किए थे और उत्तराखंड में। ठीक है, इसी तरह 4 जगह 4 मठों की स्थापना की थी। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य। और शंकराचार्य ही सभी वेदों को, इनको ज्ञाता भी कहा जाता है शंकराचार्य को। नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली की स्थापना राजा विशाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और अगला है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 2 शासक हैं, एक है उदयन और एक है उदयन, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा किया गया था। और लखनऊ शहर की स्थापना लक्ष्मण जी के द्वारा, ठीक है, लक्ष्मण जी के द्वारा लखनऊ शहर की स्थापना की गई थी।
और तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का शासक था गयासुद्दीन तुगलक, और इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है, गुजरात विजय के बाद उसी के दौरान फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना गुजरात विजय के दौरान अकबर ने किया था। और अगला है कलकत्ता। कलकत्ता शहर की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपीय कंपनी थी और इसी के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कंपनी कहाँ पर स्थापित की थी, तो सूरत में, ठीक है। और नेक्स्ट है कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम की स्थापना करिकाल नामक व्यक्ति ने किया था। और अगला है जयपुर। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है, इनको मिर्जा की भी उपाधि मिली थी, तो मिर्जा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना किया गया था। और जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में, और यहीं पर हवा महल भी स्थित है। अगला है अलवर। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर शहर की स्थापना बीका नामक एक व्यक्ति ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी, ठीक है, बीकानेर बीका। और अगला है 26 नंबर का गंगानगर। गंगानगर की स्थापना श्री गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई शहर की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था, ठीक है, विदेशी यूरोपीय व्यक्ति था फ्रांसिस डे। और कश्मीर। कश्मीर शहर की स्थापना शमसुद्दीन शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है, अकबर के लगभग समकालीन था शमसुद्दीन शाह। और 29 नंबर अगला है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है शाहजहाँबाद। शाहजहाँबाद की स्थापना शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, ठीक है, शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था शाहजहाँ, और इसी ने ताजमहल को भी बनवाया था, ठीक है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को रेड कलर की बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। और वीडियो को यदि पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।